Subscribe to our YouTube channel and press the bell icon to get the latest updates. नमस्कार, मैं पिंटू सिंह यादव, आप सभी का स्वागत करते हैं न्यूज लाइव में। दो महीने का लगभग अगर हम बात करें तो एक महीने से जो सियासत मची हुई थी खास करके राजस्थान को लेकर, अब कहीं ना कहीं ढलान पर आ गई है। और कल यानी कि 14 अगस्त को राजस्थान की जो क्राइसिस है, राजस्थान को जो सियासत है, वो कहीं ना कहीं फिक्स हो जाएगा। और कल पता चल जाएगा कि आखिरकार अशोक गहलोत की सरकार बच पाती है या फिर बीजेपी कोई और दाव खेलकर इनकी सरकार को परेशानी में ला सकती है। इसके बारे में आज मैं आपको पूरी जानकारी देने वाला हूं। इससे पहले मैं चाहूंगा कि हमारे चैनल यानी कि न्यूज लाइव को सब्सक्राइब कर जुड़ जाए। तो चलिए शुरू करते हैं। जैसा कि आप सभी को पता है कि लगभग एक महीने के बाद जिस तरीके से सचिन पायलट ने आला कमान से मिलकर ये फैसला लिया कि हम जो है कांग्रेस से बाहर नहीं जा रहे हैं और कांग्रेस की सरकार यानी कि अशोक गहलोत की सरकार को किसी भी प्रकार की दिक्कत नहीं है, जिसको लेकर कई सारे ऐसे लोगों के जहन में सवाल आने लगे। क्योंकि जिस तरीके से अशोक गहलोत को लेकर सचिन पायलट ने इतना बड़ा फैसला ले लिया था, जिसको लेकर पूरे देश की राजनीति में एक सियासी जो है वो भूचाल हो गया था। सियासी भूचाल इसलिए हो गया था क्योंकि सचिन पायलट ये कह गए थे कि अशोक गहलोत की सरकार अल्पमत में है और अशोक गहलोत के पास उतने विधायक नहीं है कि वहां की सत्ता को बचा पाए। इसके बाद से सचिन पायलट को लेकर लगातार कयास लगाया जा रहा था कि सचिन पायलट जो है वो बीजेपी में शामिल हो सकते हैं और अपने बादी विधायकों के साथ साथ कुछ एमएलए विधायकों को खरीद फरोख्त और हॉर्स ट्रेडिंग करके अपने पक्ष में लाकर वहां पर अशोक गहलोत की सरकार को गिरा सकते हैं। लेकिन ये भी पता था कि लोगों को कि सचिन पायलट जो है वो थर्ड मोर्चे का निर्माण कर सकते हैं, लेकिन इन सबसे परे सचिन पायलट अब फाइनली पार्टी में आ गए हैं। और अशोक गहलोत जिस तरीके से अपने विधायकों को बाड़ेबंदी कर जिस तरीके से राजनीति के जादूगर कहे जाते हैं, उस तकनीक को अपनाकर जो है अपने विधायकों को बचा लिए और शायद उनके दबाव में सचिन पायलट को कोई रास्ता नहीं दिखा, जिसके चलते अब उनको ये फैसला लेना पड़ा कि कहीं ना कहीं कॉम्प्रोमाइज कर लेना चाहिए और जाकर फिर से शामिल हो जाना चाहिए। और अब जो है सचिन पायलट आज जो है अशोक गहलोत से मुलाकात भी करने वाले हैं, विधायक दल की बैठक भी होने वाली है और कल की रणनीति को लेकर हालांकि तैयारी जो है वो जोरों पर शुरू हो गई है। तो कल से जो है 14 अगस्त से यानी कि विधानसभा का सत्र शुरू होने वाला है, उससे पहले बीजेपी के एक दिग्गज नेता के बयान से राजस्थान की सियासत और भी ज़्यादा तेज हो गई है। जी हाँ, ऐसे सूत्रों की माने तो ऐसा बताया जा रहा है कि जो बीजेपी है वो कहीं ना कहीं कल जो है अविश्वास प्रस्ताव पारित कर सकती है। और जब ये मामला सामने आया कि जो बीजेपी है वो अविश्वास प्रस्ताव साबित कर सकती है, वहां पर पारित कर सकती है और विधानसभा में अशोक गहलोत को कहेगी कि आप जो है विश्वास मत कर दिखाइए, तो इसको लेकर अब जो है कांग्रेस पार्टी के अंदर ही कई सारे हलचले शुरू हो गई है। हलचले इसलिए शुरू हो गई है क्योंकि जो अशोक गहलोत गुट के जो विधायक थे वो सचिन पायलट के आने से दुखी हैं, काफी लोग नाराज भी हैं, जिसको लेकर लगातार जो है अशोक गहलोत उसको मनाने की कोशिश कर रहे हैं, जिसके बाद उनके विधायक कुछ नाराज चल रहे हैं। और उसके बाद से जिस तरीके से बसपा यानी कि बहुजन समाज पार्टी के जो 6 विधायक थे वो कांग्रेस पार्टी के समर्थन यानी कि अशोक गहलोत के समर्थन में थे, उनको भी लेकर मामला सुप्रीम कोर्ट में चल रहा है और उस पर स्टे लगा दिया गया है। तो इसको भी लेकर कयास लगाया जा रहा है कि कहीं 6 विधायक जो हैं वो पाला ना पलट लें। और इसके बाद से जिस तरीके से सचिन पायलट ने इस प्रकार की बड़ी राजनीति खेली, उसको भी लेकर जो है लगातार कांग्रेस पार्टी के अंदर ही भूचाल मचना शुरू हो गया है कि आखिरकार जब सचिन पायलट हमारे तरफ से हैं ही, सचिन पायलट स्पष्ट तरीके से पूरे अनाउंस करके हमारे पार्टी में यानी कांग्रेस पार्टी में फिर से आ गए हैं, तो फिर बीजेपी की इतनी हिम्मत कहाँ से हुई कि वो कल जो है विधानसभा में अविश्वास प्रस्ताव लाने की सोच रही है, जिसको लेकर अभी अभी जो है सचिन पायलट अशोक गहलोत को बुलाए हैं कि भाई आइए मुलाकात करते हैं और सचिन पायलट उनकी आवाज़ पर जाकर मुलाकात करेंगे। लेकिन जिस तरीके से बीजेपी का ये लास्ट मोमेंट में बयान आया है कि अविश्वास प्रस्ताव पारित किया जाएगा, इसको लेकर कहीं ना कहीं कांग्रेस के अंदर हलचल शुरू हो गई है। और हलचल इसलिए भी है क्योंकि सचिन पायलट के फिर से कांग्रेस में जाने के बाद अशोक गहलोत गुट के कुछ विधायक जो हैं वो कहीं ना कहीं उनको कष्ट पहुंचा है, उनको दुख पहुंचा है और उनको लेकर भी लोगों के मन में एक अलग सा विचार उत्पन्न हो रहा है कि कहीं जो है ये दूसरे साइड वोट ना कर दें। इसके बाद अगर हम बात करें तो जो राजस्थान का सियासत है वो लगभग 200 सीट है,
यानी कि 200 सीट और आपको जीतने के लिए यानी कि सरकार को काबू में यानी कि सरकार को बरकरार रखने के लिए आपको 101 सीटों की जरूरत होती है। वैसे हम कांग्रेस पार्टी की संख्या बता दें तो लगभग 107 जो है कांग्रेस पार्टी की है। अगर हम बीजेपी की बात करें तो 76 बीजेपी के हैं, इसके अलावा 6 जो है बीएसपी के हैं। बाकी की अगर हम बात करें तो निर्दलीय हैं, जो कि निर्दलीय जो हैं वो खास करके कांग्रेस पार्टी के समर्थन में हैं। तो इस तरीके का जो वहाँ पर समीकरण है देखा जा रहा है। अब कल ही देखना दिलचस्प होगा कि बीजेपी जो है कौन सी दाव खेलती है और अशोक गहलोत उस दाव को काबू में कर आगे के रणनीति के साथ वहाँ पर सरकार बचा पाते हैं और फिर राजस्थान के विकास के बारे में सोच सकते हैं। आपकी क्या राय है, क्या विचार है, क्या कौन सी दाव जो है कल बीजेपी खेलने वाली है या फिर अशोक गहलोत के जादू में, कांग्रेस पार्टी के जादू में जो है बीजेपी फंसती नजर आएगी? आप भी कमेंट बॉक्स में प्रतिक्रिया जरूर दीजिए। अगर ये वीडियो पसंद आया तो इसको लाइक कमेंट शेयर कर दें, चैनल को पसंद करते हैं तो सब्सक्राइब कर जरूर दीजिए। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। Subscribe to our YouTube channel and press the bell icon to get the latest updates.